इंग्लिश में वर्ड है क्लीन हैंडेड, मतलब मासूम, बेगुनाह. ही इज क्लीन हैंडेड, शी इज क्लीन हैंडेड. फिर आता है वर्ड रेड हैंडेड. रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, यानी कोई जुर्म कर रहा हो और उसे पकड़ लिया जाए, दैट इज रेड हैंडेड. जुर्म करते हुए, ये नहीं कि कलर कर रहा हो, पकड़ लिया और बोला भाई हाँ यही है, नहीं, रेड हैंडेड रंगे हाथों. पुलिस अरेस्टेड हिम, रेड हैंडेड. फिर है स्टॉक. स्टॉक के कई मीनिंग है, स्टॉक के कई मीनिंग है स्टॉक के, मगर एक सबसे अच्छा मीनिंग है किसी को छुप के पीछा करना. आजकल इंटरनेट के लिए भी यूज हो रहा है कि यू आर स्टॉकिंग मी ऑन इंटरनेट, यू आर स्टॉकिंग मी ऑन फेसबुक, स्टॉक. ओके. क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब है मुजरिम, जिस पे जुर्म साबित हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है. फिर एक वर्ड है एक्यूज्ड. एक्यूज्ड का मतलब है मुलजिम. लोग समझते हैं मुजरिम और उर्दू में भी मुजरिम और मुलजिम एक ही है, नहीं. मुजरिम जिस पे जुर्म साबित हो जाता है वो क्रिमिनल है, और जिस पे इल्जाम लगता है वो होता है एक्यूज्ड, यानी मुलजिम. ओके. उसके बाद है मुलजिम, ही इज एक्यूज्ड. ओके, सेम लाइक. उसके बाद है व्हाट, एक्यूजर. एक्यूजर का मतलब होता है इल्जाम लगाने वाला, मुद्दई, जो इल्जाम लगाता है, इल्जाम तराश, जो इल्जाम लगाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूजर, मुद्दई. ओके. फिर होता है सस्पेक्ट. सस्पेक्ट का मतलब होता है मशकूक, जिस पे शक हो. मुश्तबा, मशकूक, जिस पे शक हो, उसको कहते हैं सस्पेक्ट. ओके. ही मूवीज में ही बड़ा यूज हो रहा है, ही इज सस्पेक्ट, शी इज सस्पेक्ट. अच्छा, सस्पेक्ट एक वर्ब भी है, इसका मतलब शक करना भी होता है. आई एम सस्पेक्टिंग ऑन हिम, ही इज सस्पेक्टिंग ऑन मी, दे आर सस्पेक्टिंग ऑन मी. सस्पेक्ट शक करना भी होता है. ऑथेंटिक, मुस्तनद, मोतबर, पक्का. मैं कहता हूँ दिस इज ऑथेंटिक थिंग, दिस इज ऑथेंटिक रेफरेंस, दिस इज ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक. ओके. सो क्लीन हैंडेड, क्लीन हैंडेड बेगुनाह, रेड हैंडेड रंगे हाथों, स्टॉक किसी का छुप के पीछा करना, क्रिमिनल मुजरिम, एक्यूज्ड मुलजिम, एक्यूजर मुद्दई, इल्जाम तराश, सस्पेक्ट मुश्तबा मशकूक या शक करना, ऑथेंटिक मोतबर या ऑथेंटिक मोतबर या मुस्तनद. ओके, प्लीज मेक सेंटेंसेस.